नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम लाइफ ज्ञान चैनल में। आज के जुड़ में हम चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में जो आपको अक्सर चैलेंजिंग लगता होगा। टॉपिक का नाम है हाउ टू कंट्रोल इनडिसिप्लिन पीपल। आप जब किसी प्रीमाइसिस में काम कर रहे हैं सीनियर पोस्ट पर और बहुत सारे लोग जिसको आप कंट्रोल करते हैं, उसमें आप देखते हैं कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अड़ियल रवैये के होते हैं, जिनको इंग्लिश में इनडिसिप्लिन कहते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो सीनियर की बात मानना नहीं चाहते, रिस्पेक्ट नहीं देते उनको। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, इसमें भी इनडिसिप्लिन लोगों में भी आप देखते हैं तो कई तरह के लोग होते हैं। उसको मैं अपने अनुभव के आधार पर पाँच लोगों में, पाँच कैटेगरी में बांट दिया है और वहाँ पर मैं सलूशन दूंगा आपको कैसे आप इन लोगों से काम करवा सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। चाणक्य नीति इस पर क्या कहती है? तो चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा है चार लोगों को आप कैसे अपने काबू में कर सकते हैं। अगर व्यक्ति लालची है तो आप उसको धन दे के काबू में कर सकते हैं। अगर व्यक्ति घमंडी है तो उसको आप सम्मान देकर, झूठी प्रशंसा करके आप उसको काबू में कर सकते हैं। यदि मूर्ख है तो मूर्ख जैसा व्यवहार करके आप उसको काबू में कर सकते हैं। अगर व्यक्ति विद्वान है तो सत्य ही एक उपाय है जिससे वो आपके काबू में आएगा। तो ये तो चाणक्य नीति की बात हो गई। आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, ये भी प्रैक्टिकल बिल्कुल है, चाणक्य जी झूठ नहीं बोल सकते, ये प्रैक्टिकल एकदम है। तो लेकिन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी में आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे अगर यहाँ पर आपको सीनियर, एज ए सीनियर उन लोगों से काम करना कठिन होगा। तो देखते हैं टाइप ए व्यक्ति। अब टाइप ए व्यक्ति जब मान लीजिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, तो टाइप ए का व्यक्ति जो वो व्यक्ति है जो एडमिन का ही खास है, एडमिन का ही फ्रेंड रिलेटिव या रेफरेंस से आया हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे काबू में करेंगे, क्योंकि इसका तो लिंक सीधा एडमिन से है। अब एडमिन मतलब क्लाइंट है और क्लाइंट इज़ द बॉस। तो अगर उसके रेफरेंस वाला व्यक्ति है तो उसको आप कैसे काबू में कर पाएंगे, इसको हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम टाइप समझ लेते हैं। तो ए टाइप में ये है। दूसरा है टाइप बी। अब टाइप बी में ऐसा व्यक्ति है जिसको, जो एजेंसी में, मतलब अब एओ का मतलब है एरिया ऑफिसर, ओएम का मतलब ऑपरेशन मैनेजर, एजीएम मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और जीएम का मतलब है जनरल मैनेजर। अगर इसके कोई जात वाला है, रिश्तेदार है, गांव वाला है, चाचा है, मामा है, काका है, ऐसा व्यक्ति अगर आपका जूनियर है आपकी साइड पर, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसको हमने टाइप बी में रखा हुआ है। अब टाइप सी में वो व्यक्ति आते हैं जो डिमोटेड हैं। डिमोटेड मतलब किसी साइट पर वो अच्छा काम कर चुके हैं, अब इनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि उस कंपनी के एओ से लेकर सीएमडी तक उसके काम की प्रशंसा कर चुके हैं, उसको प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अब किसी, मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में साइट चली गई या साइट बंद हो गई या फिर मैन पावर कम कर दिया, ऐसी वजह से ऐसे व्यक्ति की नौकरी चली गई। अब आप देख रहे हैं कि आपके कंपनी में कहीं दूसरी साइट वगैरह नहीं है जहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट हो या सुपर सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप इसको दे पाए। तो ऐसे व्यक्ति को अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए बड़ी मुश्किल से गार्ड की मतलब पोस्ट मिल रही है और आपके नीचे उसको काम करना पड़ रहा है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है और इसका वर्क एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का है, और इसको कम एजेंसी में अच्छे से मतलब एरिया ऑफिसर से सीएमडी तक पहचानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर जूनियर बन के आएगा आपके प्रीमाइसेस में, आपकी साइट पर, तो आप कैसे इसे काम करवाओगे, इसको मैंने रखा है टाइप सी में। अब टाइप डी में ऐसा व्यक्ति जो नॉलेजेबल है, मतलब नॉलेजेबल, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल कि उसने एक दिन में ही प्रॉपर्टी नॉलेज ले ली है, आपसे ज़्यादा उस प्रीमाइसेस को जानने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हैंडल करोगे। या फिर टाइप ई में लोकल पर्सन है, मतलब आपकी साइड से 10 से 15 मिनट दूर उसका घर है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, मतलब अब लोकल बॉय है, लोकल बॉय से मतलब मेरा ये है कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो ये व्यक्ति लोकल है और इसका रवैया थोड़ा अड़ियल है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हैंडल करोगे। तो इस तरह से 5 टाइप के लोग आपके सामने अगर आ जाए प्रीमाइसेस में, एज ए जूनियर आपका सबॉर्डिनेट्स बन के आ गए, तो आप कैसे काम करवाओगे। सिक्योरिटी में सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जाता है। तो हमने अभी यहाँ से यहाँ देखा, सॉल्यूशन को हम यहाँ से यहाँ देखते हैं। अगर व्यक्ति टाइप ई का है, लोकल है विद बैड रेफरेंसेस, मतलब लोकल है और उसके अगल बगल में जितने संगठन है उससे पहचान है, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने छेड़ा, ज़्यादा कुछ बोला, तो जैसे ही आप गेट से यूनिफॉर्म निकल कर बाहर आओगे बस आपको धर देगा, गांधी जी वाला जो सारा कार्यक्रम आपके साथ कर देगा,
यहाँ भी थप्पड़ मारेगा, यहाँ भी थप्पड़ मारेगा और मार मार के आपको हनुमान जी बना देगा। तो कैसे आप ऐसे व्यक्ति को हैंडल करोगे? तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है क्वालिफाइड और एक होता है नॉन क्वालिफाइड। ठीक है, अब क्वालिफाइड व्यक्ति है तो इससे काम कराना थोड़ा आसान हो जाता है कि पढ़े लिखे लोग समझते हैं थोड़ी बात को। तो ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति है तो इससे काम करना आसान है। अब ऐसा व्यक्ति को आप कैसे काम करवाएंगे, कैसे इसको अपने काबू में वश में करेंगे? तो इसका एक ही मंत्र है, जिम्मेदारी। इसको थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियां दे दीजिए, व्यक्ति आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये क्वालिफाइड पर्सन है, वो जिम्मेदारी का ही भूखा है क्योंकि उसको लगता है कि वो कर सकता है, आपसे अच्छा कर सकता है। तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी उसको दे दीजिए, ये आपके काबू में आपके वश में आ जाएगा और फिर ये आपका अनुगत हो जाएगा। नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति को कैसे कंट्रोल में करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है, जिम्मेदारी देंगे, वो परफॉर्म किया तो आपके वश में आएगा, नॉन परफॉर्म किया तो साइड से बाहर जाएगा। इस व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड बनाइए और रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर दीजिए एडमिन को, बस बाकी सब काम एडमिन संभाल लेगा। अब दूसरा जो टाइप है, टाइप डी। अब टाइप डी में जो व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्ति है, अब आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करने का तरीका ये है, ये जो व्यक्ति जो ज्ञानवान विद्वान होते हैं ना, हमेशा मंच ढूंढते हैं अपनी विद्वत्ता को बताने के लिए, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए मंच ढूंढते रहते हैं। तो इनको मंच दे दीजिए और इनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए। तो दो चीज़ें, एक देना है मंच और एक करनी है प्रशंसा इनकी, तब ये व्यक्ति का हो। मंच से क्या मतलब, जब ब्रीफिंग वगैरह हो रही है तो इस व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए, थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए, ये व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्ञानी है, इससे हमको कुछ सीखना चाहिए। ब्रीफिंग करवा दीजिए किसी टॉपिक को लेकर, बस ऐसा व्यक्ति, जब कवि लोग को आपने देखा है, कवि को पैसा मत दीजिए, बस वाहवाही दे दीजिए, बस खुश हो जाते हैं, वो पूरी रात फ्री में कविताएं बोलते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बस ब्रीफिंग के टाइम थोड़ा सा आप सबके सामने वाहवाही शाबाशी दे दीजिए, वाहवाही कर दीजिए, उसके ज्ञान की उसकी प्रशंसा कर दीजिए और किसी टॉपिक पर उसको बोलने के लिए दे दीजिए, बस ये व्यक्ति आपके काबू में आ जाएगा क्योंकि आपने उसको मौका दिया है। आपको ही अपना लीडर स्वीकार कर लेगा और आपका अनुगत हो जाएगा। तो मंच देना है प्लस प्रशंसा करनी है, तब इस तरह के व्यक्ति आपके काबू में आएंगे। उसके बाद टाइप सी का व्यक्ति। अब टाइप सी का व्यक्ति डिमोटेड व्यक्ति है, मतलब किसी साइट पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है और कंपनी में AO से लेकर CMD तक इसकी अच्छी पकड़ है, इसको सब जानते हैं, उसकी प्रशंसा भी कर चुके हैं सारे लोग। तो ऐसा व्यक्ति जब आपके यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी गार्ड आएगा या फिर आपसे जूनियरली पोस्ट पर आएगा, तो इस व्यक्ति के साथ आप कैसे व्यवहार करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे इसको? क्योंकि आपको तो ये कुछ समझेगा ही नहीं। मान लीजिए आपको ये 2-3 साल ही हुआ एक्सपीरियंस, इसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, आपको एजेंसी में बहुत एरिया ऑफिसर ही जानता है, ऑपरेशन मैनेजर जानता है, अब इस व्यक्ति को CMD तक जानता है कंपनी का, इसको CMD तक पकड़ है, जैसे आराम से बात कर सकता है, पहुँच है, तो कैसे आप इसको कंट्रोल करोगे? तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये सीनियर है आपके, नो डाउट, भले आप यहाँ आपके नीचे वो गार्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कंट्रोल कर सकते हैं विनम्रता से, विनम्रता एकमात्र एक उपाय है जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब ब्रीफिंग आप करते हैं तब इनको अपने साथ खड़ा कर दीजिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा बाकी लोगों को बता दीजिए गार्ड को, जैसे कि ये जो सर है, अब मान लीजिए कोई मिश्रा जी, मिश्रा जी बहुत ही, अब हम लोग का सौभाग्य जो हम लोग मिश्रा जी के साथ खड़े हैं, इनके साथ हमको काम करने का सौभाग्य मिला है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब है और हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि इनसे निवेदन करेंगे कि ये हमारे अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करें और हमको भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखलाए, हमको मार्गदर्शन करें, अपने को थोड़ा सा नीचे दिखा दे, भाई हमारी, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है और इनसे हमको सीखना है बहुत कुछ, बस इतना आप बोल दीजिए, विनम्र भाव थोड़ा दिखा दीजिए, ये व्यक्ति आपका अनुगत हो जाएगा, आपके चरणों में गिर जाए, आपका शरणार्थी हो जाएगा। इस तरह से आप डिमोटेड व्यक्ति, मतलब जो अच्छी खासी पकड़ हो, जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे व्यक्ति को विनम्रता दिखाकर, आपके विनम्र भाव दिखाकर आप ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप बी का व्यक्ति। अब टाइप बी का व्यक्ति जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है
जो अगर हो सकता है ये एयर ऑफिसर का फ्रेंड रिलेटिव रेफरेंस वाला हो या फिर डायरेक्ट सीएमडी का फ्रेंड रिलेटिव रेफरेंस वाला है, चाचा मामा काका उसका जात भाई उसका गांव वाला हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अब सीधी अच्छी खासी पकड़ हेडक्वार्टर से ही है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे काम करवाएंगे, कैसे इसको वश में करेंगे, कैसे काबू में लाएंगे? तो फ्रेंड इसका तरीका बहुत आसान है, ऐसे व्यक्ति को आप काबू में ला सकते हैं इसके द्वारा। अगर इसका आचरण ठीक है, ये किसी मजबूरी बस काम कर रहा है, अब सिक्योरिटी में कोई बाय चॉइस तो आता नहीं है, बाय चांस ही आता है, तो अगर इसका व्यवहार वगैरह ठीक है तो इससे काम लेने कोई दिक्कत नहीं। इसका व्यवहार अड़ियल है क्योंकि सीएमडी इसका जीजा है या साला है, ठीक है, तो फिर काम लेना तो दिक्कत हो जाता है। अगर व्यवहार ऐसा है कि वो आपकी बात ही नहीं सुनता, बार बात में कॉल लगाने की धमकी देता है, आपको निकलवा देने की धमकी देता है, सबके सामने आपकी फजीहत करता है, तब ये जो व्यक्ति है एडमिन, ये आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि एडमिन से आपको अच्छे रिलेशन बनाकर रखने होंगे, आपके काम से वो व्यक्ति खुश होना चाहिए, आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब इस व्यक्ति की अकल आप ठिकाने लगा सकते हैं, टाइप बी वाले व्यक्ति की। वो भले सीएमडी का साला है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एडमिन जो है वो है इनका क्लाइंट, एजेंसी का क्लाइंट है, मतलब यहाँ पे क्लाइंट से मतलब है कस्टमर, कस्टमर इज द किंग पिंग ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स में ये स्कूलन स्टेटमेंट है, कस्टमर इज द किंग पिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब कस्टमर ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ कस्टमर के लिए होता है, कस्टमर के द्वारा होता है और कस्टमर का होता है। तो इस व्यक्ति को आप अपने काम से प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, ये व्यक्ति इस तरह के लोगों को काबू में करने के लिए आपकी मदद करेगा। अब कैसे, अब ये सीएमडी से ही बात करेगा, ये आपका रिलेटिव है, ये बहुत ही परेशान कर रहा है साइट पर, इसको आप समझाइए, यहाँ से ले जाइए। जब इस तरह का बैड कमेंट आ जाएगा एडमिन से सीएमडी है किसी एरिया ऑफिसर ऑफिस मैनेजर को, वो तुरंत उसको डांट देंगे, तेरे वजह से मुझे भी सुनना पड़ रहा है, जो ठीक से काम करना है या कर वरना निकल जा। तो इस तरह आप टाइप बी वाले व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं एडमिन की मदद से, ठीक है। तो एडमिन से आप अच्छे रिलेशन बना के, यहां पर मैं लिखूंगा रिलेशन विथ एडमिन, गुड रिलेशन, ठीक है, गुड रिलेशन बना के आप यहां पर इस तरह के टाइप बी वाले व्यक्ति को आप टैकल कर सकते हैं। अब व्यक्ति टाइप ए का है, अब भाई ये एडमिन का ही रिलेटिव है, एडमिन का ही साला है, या फिर एडमिन का ही कोई रिलेटिव है, उसका कोई रेफरेंस वाला व्यक्ति है, तब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे? अब ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल में लाने का एक ही तरीका है, मित्रता, फ्रेंडशिप। जिससे फ्रेंडशिप, जिससे जीत ना पाओ उससे क्या कर लो, मित्रता कर लो। अब एडमिन का है भाई, भाई बॉस का ही सब कुछ लग, साला जीजा जो भी है, और ऐसा व्यक्ति है तो जिससे जीत नहीं पाओ उससे मित्रता कर लो, ये इतिहास में बहुत पुरानी रसम है, तो इस रसम को यहाँ पे निभाना है आपको, मित्रता करनी है, फ्रेंडशिप करना है ऐसे व्यक्ति से। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा तंग नहीं करना है, जो ये करना चाहता है वैसे कसो करने देना, करने से मतलब अगर ये काम करना चाहते हैं उसको काम दे दीजिए, इसका मनमाना काम दे दीजिए, अगर काम नहीं करना चाहते तो ऐसी कोई पोस्ट ढूंढ लीजिए जहाँ पर कुछ नहीं हो, ये पड़ा रहे अपना, तो इससे आप भी खुश रहोगे ये भी खुश रहेगा। तो इस तरह मित्रता करके आप एडमिन का अगर कोई रिलेटिव वगैरह है, बॉस का भी कोई रिलेटिव वगैरह है, तो उसको भी आप कंट्रोल में कर सकते हो। क्विकली थोड़ा रिविजन कर लेंगे हम लोग, अगर टाइप ई का पर्सन है तो जिम्मेदारी दे दीजिए, अगर टाइप डी का पर्सन प्रशंसा और मंच दे दीजिए, वो खुश आपके वश में आ जाएगा। टाइप सी का व्यक्ति है तो विनम्रता भाव से उसके आप काबू में कर सकते हैं। टाइप बी व्यक्ति है तो गुड रिलेशन विद एडमिन आपके काम आएगा इसको कंट्रोल करने में। और अब टाइप ए का है व्यक्ति है तो मित्रता करके इससे आप काबू कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ टू कंट्रोल इनडिसिप्लिन पीपल, अगर आप सीनियर लेवल पर हैं, अगर नहीं हैं जा रहे हैं तब भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए लाल बटन सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।